शाम को जानकारी मिली थी कि मुख्य आरोपी शुभम गिरफ्तार कर लिया गया है, कहां तक आगे की तफ्तीश जारी है? कल मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था और कोशिश ये है कि उसे आज जो भी जिस भी हथियार से चाकू से जो उसने उसमें यूज किया था उसको बरामद किया जाएगा और आज कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड के लिए। शुभम और उसके साथी जिन पर आरोप है वो आज स्कूल के अंदर ही उसको मौत के घाट उतार देते हैं, चाकुओं से उस पर हमला कर देते हैं। वीरेन प्रैक्टिकल देने के लिए आज गया हुआ था, गैंग के कुछ लोग बाहर खड़े थे, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। वीरेन अंदर प्रैक्टिकल दे रहा था लेकिन शुभम नाम का लड़का चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देता है, लेकिन जब परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं तो वीरेन दम तोड़ देता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा। वीरेन की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। शुभम मुख्य आरोपी है और उसी ने स्कूल में वीरेन की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। एक ऐसा वाक्या सामने आया था जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि स्कूल के अंदर ही एक 17 साल के लड़के वीरेन की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस लगातार आरोपी को ढूंढने के लिए मशक्कत कर रही थी, परिवार वाले भी लगातार इस गुस्से के साथ अलग अलग जगह जाकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है, मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डीएसपी मनोज कुमार जी, उनसे एक बार जान लेते हैं कि इस मामले में तफ्तीश कहां तक आगे बढ़ी है। सर, कल शाम को जानकारी मिली थी कि मुख्य आरोपी शुभम गिरफ्तार कर लिया गया है, कहां तक आगे की तफ्तीश जारी है? कल मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था और कोशिश ये है कि उसे आज जो भी जिस भी हथियार से चाकू से जो उसने उसमें यूज किया था उसको बरामद किया जाएगा और आज कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड के लिए। सर, कुल कितने आरोपी हैं जो इस मामले के अंदर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है और उनमें से भी कोई हिरासत में या गिरफ्तार? टोटल एफआईआर में 10 के नाम है जिनमें हम कोशिश है कि जितने हो सके अरेस्ट किया जाएगा और वेरीफाई करके ही उसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और हमारी टीम में लगी हुई है, जो भी मिलेगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो कोई सर पुरानी रंजिश है जिसके चलते ये पूरा मामला सामने निकल कर आया? पुरानी रंजिश है, पहले भी आपस में इनके पिछले 21 में 2 पर्चे दर्ज हुए थे जिसमें बाद में इनका कोर्ट में जाके फैसला हो गया था और राजीनामा हो गया था, उसके बाद ये बेल पे आ गए थे और अब उसी रंजिश के चलते ही इसने इस वारदात को अंजाम दिया। सर, लगातार परिवार वाले कल भी प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। कितनी टीमें लगातार काम कर रही हैं? हमारी 3 टीमें काम कर रही हैं, उसमें सीआईए भी लगी हुई है और जल्द से जल्द हमें कामयाबी मिलने की उम्मीद है। सर, एक संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि भाईचारे के साथ जाना जाता है जो गांव के लोग रहते हैं, लेकिन इस तरीके की वारदातें होंगी या इस तरीके की घटना होगी तो फिर माहौल खराब होगा? माहौल
शुरू में स्टार्टिंग में लगा था हमें, लेकिन फिर भी गांव वाले समझदार हैं और हम भी उनको कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि आपस में भाईचारा बना के रखें, पुलिस अपना काम करिए, जो भी गुनहगार होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस का यही है कि आपस में सहयोग रखें, गाँव में माहौल को खराब ना करें। सर, स्कूल की क्या कुछ वो लगातार सहयोग कर रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि स्कूल में चाकू लेकर जाना और इस हत्या की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है? बिल्कुल है, स्कूल को प्रॉपर हिदायत दी गई कि प्रॉपर जिस हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और आने जाने वाले पर प्रॉपर नज़र रखी जाए। जो भी इस किस्म के लड़के दिखाई देते हैं या कुछ भी लगता ही आपको ये सेंसिटिव है तो उसकी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो एक आखिरी सवाल, क्या कुछ लगता है अब आप कोर्ट में पेश करेंगे तो कितने दिन का रिमांड हासिल करेंगे सर? वो अभी पेश किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कोर्ट पे कितने दिन का रिमांड हमें दे, लेकिन हमारी कोशिश है कि ठीक से रिमांड हमें मिल जाए ताकि हम आगे इन्वेस्टिगेशन में उसको कंप्लीट कर सकें। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है? इसको पानीपत बाबरपुर मंडी से गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। हमारे साथ मनोज कुमार जो DSP हैं और 3 टीमें इस पूरे मामले में गहनता से तफ्तीश करती हुई नजर आ रही हैं, CIA की टीमें भी लगी हुई हैं और बाबरपुर मंडी से जो है वो मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 आरोपी FIR के अंदर हैं जो वीरेन के परिवार वालों की तरफ से नाम लिखवाए गए हैं, साथ ही साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड हासिल करेगी, उस चाकू को बरामद करने का प्रयास करेगी जिससे वीरेन की हत्या की गई है। एक बड़ी बात यह है कि गांव अक्सर जो जाने जाते हैं वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वहां पर शांति का माहौल होता है, वहां पर लोग सद्भावना के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, लेकिन गांव के अंदर अगर इस तरीके की घटना सामने आएगी, इस तरीके की वारदात सामने आएगी कि स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से सपने बुनते हैं छात्र, जहाँ से भविष्य बनता है, उसी स्कूल के अंदर एक शुभम नाम का लड़का वीरेन नाम के लड़के की हत्या कर देता है। वीरेन के पिता पहले नहीं हैं, यानी कि उनकी भी मौत हो चुकी है और वीरेन अपने परिवार में सबसे बड़ा था, यानी कि उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से अपने परिवार को आगे लेकर जाना है, किस तरीके से अपना भविष्य बनाना है, अपने छोटे भाई का भविष्य बनाना है, अपनी माता का ख्याल रखना है। लेकिन 17 साल के वीरेन की जब हत्या कर दी जाती है तो यह खबर सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और गांव के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि गांव में इस तरीके का माहौल कैसे पैदा हो गया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखना यह होगा कि जब शुभम को कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस को कितने दिन का रिमांड मिलता है और पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीरेन की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। शुभम मुख्य आरोपी है और उसी ने स्कूल में वीरेन की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस की 3 टीमें लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने में, उन्हें ढूंढने में जुटी हुई हैं और इसी बीच पुलिस को कामयाबी हासिल होती है और शुभम को बाबरपुर मंडी से गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुभम को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से पुलिस को 3 दिन का रिमांड हासिल हुआ है। इस दौरान जिस चाकू से वीरेन की हत्या की गई थी उस चाकू को भी बरामद किया जाएगा और साथ ही साथ जो बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें अलग अलग जगह छापेमारी करेंगी। बहरहाल देखना ये होगा कि और बाकी आरोपियों को पुलिस इस मामले में कब तक गिरफ्तार करती है, क्योंकि वीरेन के परिवार वालों में गुस्सा है और उसको लेकर वो लगातार अलग अलग जगह जाकर अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मांग को पर अड़े हुए हैं कि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।